करूंगा और फिर जो मेरा टैलेंट है वो वेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा टैलेंट समझाने का है आपको, है ना, उसका सदुपयोग करें अपन तो बेहतर होगा। चलिए सर, तो अब चलते हैं सर जी हम आपके पास मानव संचार ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ये कहां से चलता है, ये आपको बताते हैं। असल में ये परिसंचरण तंत्र है, परिसंचार जो है ये परिसंचरण है। परिसंचरण क्या है इसके बारे में आपको हम समझाएं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जरूरी लोगों से मिलवा देते हैं। किन लोगों से मिलवाते हैं, पहले तो कंटेंट देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके संचार प्रणाली के अंदर ये परिसंचरण है। ये एक्चुअली संचार शब्द थोड़ा सा डाउटफुल लगेगा आप लोगों को, इसको परिसंचरण कहिएगा, परिसंचरण। ये गूगल ट्रांसलेशन है तो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज किससे करेगा, नर्वस सिस्टम से कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को, इसलिए इससे कंफ्यूज मत होइएगा। परिसंचरण का मतलब संचार यहां लिखा हुआ है। किन किन चीजों की हम यहां पर सबसे ज्यादा बात करेंगे, हम हमारे हृदय की बात करेंगे, धमनी की बात करेंगे, वेन की बात करेंगे, कैपिलरीज की बात करेंगे, ब्लड की बात करेंगे, ये कर चुके हैं। अच्छी बात है सर। अब इनमें भी जो सबसे ज्यादा बात होती है वो इसकी होती है। इसमें भी दो किरदार हैं, एक का नाम है आर्टरी और वेन। मैं आपको जो पढ़ाना चाहूंगा वो मैं आपको बता देता हूं सर। मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्कुलेशन सिस्टम, जो सबसे टिपिकल टास्क होता है बच्चों के समझने के लिए, वही सबसे आसान करके समझाने का प्रयास करूंगा मैं। आपकी इजाजत हो तो शुरू कर दिया जाए। सर क्या होता है कि आपके हृदय में कौन सी चीज कहां से आ रही है, कहां जा रही है, क्या काम है, बहुत ही एकदम हलवा स्टाइल में पढ़ने वाले हैं हम। क्या होता है सर, तो थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। होता क्या है सर जी कि हमारा जो हृदय है वो हृदय क्या करता है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, ये मैं आप लोगों को थोड़ा निवेदन करता हूं। मान लीजिए कि ये आपको दिखाई दे रहा है अपना हार्ट। इस हार्ट का काम एक तरीके से ऐसे समझिए जिस प्रकार से आपके घर में अगर नल आते हो, आप में से कईयों के घर में सरकारी नल आता होगा, नल नहीं आता होगा तो नल देखा होगा कि भाई ट्यूबवेल पानी जो आता है किसी के घर में, उन सबके घर में ना एक मशीन लगी होती है जिसको कि मतलब वो एक तरीके से मोटर समझ के लगा लो आप। वो मोटर क्या कर रही होती है कि जो सरकारी सप्लाई आ रही होती है ना, उस मोटर में वो मोटर जो है वो उसमें से पानी खींच रही होती है, खींच करके आपका टैंक भर रही होती है। एक तरीके से ये वो मोटर है हमारा हार्ट, जो कि सरकारी सप्लाई हमारे ही शरीर में हो रही है, उस सरकारी सप्लाई को दम लगा रहा है। दम कैसे लगा रहा है, मतलब क्या हुआ कि हमारे ब्लड के पास एक ऐसी मोटर लगी हुई है ब्लड के बीच में, जो कि पूरे ब्लड को ऊपर से नीचे तक सब जगह घूमने के लिए इग्नाइट कर रही है, भेज रही है। ये वो चीज है सर। माने कि एक ऐसे समझिए कि ये पाइप का एक ऐसा जॉइंट है जहां से कहां कौन क्या करेगा ये सब जाएगा। आप पूछेंगे सर हार्ट की वजह से फायदा क्या होता है, हमने कहा अगर एक टर्म के रूप में पूछो ना तो कुछ फायदा नहीं है इस हार्ट का। बोले गजब बात कर रहे हो सर, इतनी साइंस में हार्ट ही हार्ट की बात होती है। हमने कहा भाई सुन लो, अगर ये कह दिया जाए कि हार्ट का काम कोई और मशीन कर देगी, यानी कि ब्लड को इधर से उधर पहुंचाने का कोई भी काम कहीं कर देगी, तो हार्ट का फिर कोई काम ही नहीं है, वाकई में कोई काम नहीं है। बोले मतलब, मैंने कहा भाई ये जो पंप है ना, इतना कॉम्पैक्ट पंप जो मुट्ठी के आकार का समझ लीजिए, इतना कॉम्पैक्ट पंप जो है वो प्रैक्टिकली बनना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पंप के बनने के अंदर जो तंत्रिकाएं काम करती हैं, स्वतः ही काम कर रहा होता है, ना कभी बैटरी डालनी पड़ती, ना इसे रिचार्ज करना पड़ता, सोते समय भी चार्जिंग में लगाने का झंझट नहीं है, ये अपने आप काम करता है। जब तक आपके अंदर जब तक है जान, ये चलता रहेगा, करता रहेगा काम। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा मोटर है, ये एक मोटराइज्ड सिस्टम समझ लीजिए, जिसको काम करने के लिए आपको किसी भी प्रकार से ना तो चार्ज करना, ना ही इसके लिए कुछ सोचना, ना ही इसकी कोई तरह से मरम्मत करना, कुछ नहीं है, ये चल रहा है अपने आप तरीके से। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि ये पंपिंग सिस्टम अगर इंसान खुद बनाने का कारगर हो जाए, कि एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो कि अनलिमिटेड टाइम स्टाइल तक, यानी कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक बिना चार्जिंग, जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेकर, इवन आप गर्भ में थे तब से लेकर के मरने वाले हो अंतिम क्षणों तक, इसी को नापा जाता है कि ये मोटर चल रही है कि नहीं चल रही है। ये वो मोटर है सर। तो इंपॉर्टेंस तो इसकी इतनी है कि ये मोटर है। अब इस मोटर को हटा दो, मोटर का काम कोई और मोटर कर दे तो वो लगा लो, इस मोटर के अलावा इसका कोई काम नहीं है। लेकिन ये मोटर वाला काम भी इतना बड़ा है कि इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता।
क्यों? क्योंकि अगर कोई भी काम हम करने निकले, अरे साहब हम अपनी घड़ी के अंदर सेल भी साल भर में बदलवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसको मात्र टिक 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 करके एक बार राउंड ही खींचना होता है 24 घंटे का, है उस स्थिति में भी हमको सेल बदलवाने पड़ते हैं। ये मुट्ठी के आकार की मोटर है जो कि नॉन स्टॉप चल रही है और सब जगह तक सब चीजें पहुंचा रही है। बोले अच्छा, तो ये मोटर है बस? मैंने कहा बिल्कुल मोटर है। बोले सर एक बात बताओ, हमारे घर में जो मोटर है, जैसे मैं अपने घर की बताऊं भाई, पानी का टैंक है जैसे हमारे घर में ना, आपके भी होगा नहीं तो किसी के देख लिया होगा टैंक है। अब टैंक के अंदर क्या है कि भाई हमने एक मोटर लगा रखी है, वो मोटर टैंक में से पानी खींचती है, ऊपर जो हमारी ऊपर दूसरी टंकी रखी है वहां भेज देती है। इतना ही तो काम है, और क्या काम है? अभी चढ़ाने चढ़ाने का काम है, क्योंकि हमारी मोटर में इतना दिमाग नहीं है कि जो हमारे यहां से नालियों में से पानी निकल रहा है उस पानी को भी वो वापस ले ले। अब ध्यान से सुनना सर, देखो मैं पहले आपको ना आपके घर का ही दृश्य समझा देता हूं, उसके बाद आपको बाकी बातें समझ में आएंगी। मान लीजिएगा सर, ये आपका घर था, यहां आप रहते थे, यहां आपका टंकी लगा हुआ है जिसमें कि आपका पानी भरा हुआ है। ये टंकी है सर, आपके घर के ऊपर लगी हुई है ना, यहाँ आप रहते हैं, यहाँ बढ़िया तरीके से आप रहते हैं। यहाँ पे आपने एक पंप लगा रखा है, मोटर लगा रखी है, यहाँ पे आपने एक टैंक बनवा रखा था जिसमें पानी था, वो पानी यहां से पाइपलाइन के माध्यम से यहां गया, यहां से आपने पानी टंकी में डलवा दिया, इतना काम हो गया। यहां पर आप बाथरूम में बैठे हुए थे, हग रहे थे, मूत रहे थे, नहा रहे थे, जो भी कर रहे थे, यहां से ये पानी जो है टंकी से इस जगह पर आया। किस जगह पर आया? आपके बाथरूम में आया। आपने बाथरूम में पानी को यूज किया और इस पानी को यूज करके एक अलग ही सिस्टम के माध्यम से, जिसे आपको क्या कहना होता है, सीवेज सिस्टम कहते हैं, आप नाली कहते हैं, उसके माध्यम से आप लोगों ने क्या कर दिया, उस पानी को कहीं और अशुद्ध रूप में भेज दिया। यही होता है सामान्यतः, थम्सअप करिए, होता है कि नहीं होता है? इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। हमारा घर ऐसा ही है, जिनको अपने घरों के बारे में भी नहीं पता है फिर वो क्या कर रहे हैं भैया लाइफ में, है कुछ करो ढंग का काम यार, पता तो रखो क्या चल रहा है हमारे घर में। भैया बात ऐसी है कि ये जो पानी ऊपर गया, नीचे आया, नालियों में बहके चला गया, अब मैंने कहा कि ये जो मोटर थी ना, ये मोटर का काम कर रही थी, पानी को ऊपर तक पहुंचा रही थी। अब एक काम क्यों ना करें हम, ऐसा हम एक ऐसी मोटर इजाद करें जो कि ये जो पानी मेरा बहके नीचे आया है ना नाली में, बोले हाँ, ये नाली का पानी भी इसके पास ही वापस जाए। दोबारा सुनना क्या बोल रहा हूं, जो नाली का पानी है वो नाली का पानी वापस कहां जाए, इसी के पास जाए। बोले अच्छा सर चला गया फिर तो। बोले सर इसी के पास चला गया, कहना ये चाह रहे हो कि यही नाली का पानी वापस ऊपर भर दे? फिर तो सर हम अपने ही गंदे पानी से नहाएंगे। कि छी सर क्या बात कर रहे हो आप, मैंने तो आज ही मैल छुड़ाया। मैं छी सर गंदी काव दी आपने, मैं पागल आदमी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ये मोटर इतनी इंटेलिजेंट हो कि ये जो पानी जो आपने गंदा लिया था ना, इस गंदे पानी को ये साफ करने के एक सिस्टम में खुद से भेजे। दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं, ये गंदे पानी को ले और गंदे पानी को लेकर के साफ करने के सिस्टम में, जिसको आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, होता है कि नहीं अपने आजकल शहरों में लग रहा है कि नहीं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसे अपन कहते हैं, उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में खुद से भेजे। फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से भी ऑटोमेटिक ये जो मोटर है ये पानी को वापस बुलाए। मतलब सोचो मोटर की जिम्मेदारी देखो आप, वापस अपने पास खींचे उस पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से और बुला करके वापस शुद्ध पानी को ऊपर चढ़ाए। आप सोच के देखो, आपके पहले शुद्ध पानी को तो लिया, लेकर के ऊपर टंकी में चढ़ाया, चढ़ाकर गंदे पानी को लिया, उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उठा करके उसको वापस टंकी में भेजा। बोले सर एक बात बताओ, जब ये पानी शुद्ध हो ही गया तो फिर इस वाले पानी की क्या जरूरत है टंकी वाले की, ये छोड़ ही दीजिए। हमने कहा कैसे मतलब? बोले जो पानी फैला वो वापस यूज में आ गया। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। तो बोले सर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये टंकी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ऐसी मोटर इजाद हो गई तो हमारे घर में, जो अशुद्ध पानी को शुद्ध कर दे और वापस यूज में लेने लायक छोड़ दे। मैंने कहा बहुत सही सोच रहे हो। एग्जैक्टली साहब ऐसा ही पानी हमारे शरीर का रक्त है, जो ब्लड है हमारा, वो चीज है मेरे प्यारे साथियों जो गंदा भी होता है लेकिन कभी कम नहीं होता गंदगी सफाई के कार्यक्रम में। ऐसा नहीं है कि ब्लड अशुद्ध हो गया तो उसे आपने नाली में फेंक दिया और नया ब्लड चढ़ा लिया, ऐसा है ही नहीं सर। हमारे शरीर के अंदर जो मुश्किल से 6-7 लीटर खून है ना, वो पूरी जिंदगी ऊपर नीचे घूमता रहता है, सारा काम वही कर रहा होता है। यहां पर बैठा हुआ जो मोटर नामक यंत्र है जिसे आप हृदय कहते हैं, ये उस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करवा करके वापस उपयोग कर रहा होता है।
बोले इसका मतलब तो सर ये तो कोई बहुत ही उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी है। मैंने कहा देख लो बेटा, उन्नत किस्म की इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है कि आपने जितना भी गंदगी अपने शरीर में धारण किया हुआ है, उस धरी हुई गंदगी को सब जगह से इधर उधर करने वाला कोई अगर मोटर है तो उसका नाम हार्ट है। बोले सर हमारे शरीर में गंदगी किस बात की आती है? हाँ, हमने कहा ये बात तो आपने सही पकड़ी, आपके शरीर में गंदगी तो टेक्निकली आनी ही नहीं चाहिए। अब बताते हैं आपके शरीर में गंदगी किस चीज की आती है। देखो भैया, बात ऐसी है कि हमारे शरीर में असल में गंदगी आती है कोशिकाओं के द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड से। बोले ये क्या मतलब हुआ? हमने कहा भाई देखो, पाचन तंत्र पढ़ा चुके हैं, उम्मीद है याद होगा, पाचन तंत्र में पढ़ाए थे कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाएं जो है वो कोशिकीय श्वसन के माध्यम से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। बोलो यस और थम सब करो एक बार, ध्यान आ रहा है कुछ? अब किसी सेल ने अपने अंदर वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन को CO2 में बदल दिया, तो जो CO2 है ना, वो CO2 असल में आपके फेफड़ों तक यानी लंग्स तक कैसे आएगी? ये कार्य किसके पास है जनाब? ये कार्य ब्लड के पास ही है। क्या कार्य है मेरे प्यारे साथियों? ब्लड के पास कार्य ये है कि वो लंग्स तक किस प्रकार से ब्लड को पहुंचाए, ये कार्य किसका है? हार्ट का कार्य है। बोले यहां क्या होता है? मैंने कहा लंग्स जो है ना आपके शरीर के यानी कि जो फेफड़े हैं वो असल में आपके सीवेज सिस्टम है। सीवेज सिस्टम का मतलब क्या हुआ? ये आपका शुद्धिकरण परिशुद्धक यंत्र है एक तरीके से, जो आपके ब्लड को साफ करता है। बोले सर ये कैसे साफ करता है? हमने कहा देखिए, बायोलॉजी में जो साफ रक्त की परिभाषा है, देखिए याद करना, मैंने आप लोगों को उत्सर्जन तंत्र में भी पढ़ाया था लेकिन तब मैंने प्योर और इम्प्योर ब्लड यूज नहीं किया था। मैं यहां क्या बोल रहा हूं, प्योर और इम्प्योर ये दो शब्द यूज कर रहा हूं, आप भी याद कर लीजिएगा। प्योर और इम्प्योर जब मैंने आपको उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया था तब यूज नहीं किया था। मैंने कहा था कि भाई आती है ब्लड, आता है कचरा, निकलता है वापस चला जाता है। लेकिन जब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाती है ना जनाब, तो उस समय पर शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों की बात की जाती है। बायोलॉजी में शुद्ध रक्त का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड युद्ध रक्त, याद कर लीजिएगा। ऑक्सीजनेटेड जो होता है मेरे प्यारे साथियों, वो जो ब्लड होता है उसे हम प्योर कहते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्योर कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है मेरे प्यारे साथियों, वो रंग के अंदर ब्लू होता है, नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है मेरे प्यारे साथियों, वो रंग में चमकीला लाल होता है, यानी कि एकदम बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का होता है, जो प्योर ब्लड होता है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? थम्स अप करिए, अच्छी बात है। अब अपने हाथ की इन नसों को देखिए, दिख रही होंगी, अपनी कलाई खोलिए एक बार, देखो दिखा कुछ? रिस्ट देखो अपनी, दिखा? थम्स अप करिए, देख लो, कईयों ने देखी नहीं होगी शायद। यहां हल्का सा कलर दिख रहा है आपको, ये देखो, ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ना, यही है आपकी वेन्स जो कि अशुद्ध रक्त को कैरी कर रही हैं। अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है कुछ? कहने का मतलब ये हुआ कि अशुद्ध रक्त नीला है, नीली हमारी नसें हैं, ये जो दिख रही है ना ये नसें हैं, ठीक है ना। लाल रक्त वाली जो चीजें वो दिखती नहीं है हमको, जो बाहर की तरफ दिखती है ना ये वेन्स है सारी की सारी, जिनके अंदर क्या जा रहा है? अशुद्ध रक्त जा रहा है। आपको मालूम है, आपको चलो थोड़ा ज्ञान दे ही देते हैं, इतना लेके क्या करेंगे हम, वैसे बहुत मोटे हो रहे हैं, चलो ले लो। आपको मालूम है कई बार आपके इंजेक्शन लगता है तो नस ढूंढ के इंजेक्शन लगाया जाता है, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? थम्स अप करो, इंट्रावीनस इंजेक्शन लगवाते हैं आप लोग हैं? कई तो बच्चे भैया उसी मामले में इंजेक्शन कहीं और लग रहा होता है, ये कहीं और से गीले हो रहे होते हैं, है ना। तो पॉइंट क्या है जनाब, कि ये जो इंट्रावीनस इंजेक्शन लग रहा होता है ये वेन में ही क्यों लगाया जा रहा है? कोई लॉजिक होगा इसके पीछे? बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो वेन है ये अशुद्ध रक्त को लेकर जा रही है। भैया ये जो गंदा पानी है ये जाता कहां है? सीधा जाता कहां है? पंप के पास। किसके पास जाता है? पंप के पास। पंप कौन है? हार्ट।
तो वेन जो है वो अशुद्ध रक्त को लेके कहाँ जाती है, हार्ट के पास, और हार्ट का कार्य क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके पास में, वो इसको कहीं ना कहीं पहुंचाता जरूर है, यानी टंकी में जहां से सारे घर में सप्लाई होगी। तो ये जो आपने अभी लोड कर दिया ना इंजेक्शन, इसमें ये यहां हार्ट पे पहुंचा, हार्ट ने इसको पूरे शरीर में यानी उस टंकी में डाल दिया, और टंकी से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये कहने का मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली इसे पूरे शरीर में सर्कुलेट करने के लिए जरूरी कौन है, हार्ट जरूरी है, इसलिए वेन में इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि पूरे शरीर में इसका प्रभाव पहुंचे। एनीवे फिलहाल के लिए बात करते हैं, बाद में आएंगे वापस, समझ में भी आ जाएंगी चीजें। तो सर सवाल बनता है, बोले ठीक है सर बाकी तो सारी बातें समझ में आ गई, शुद्ध रक्त का निर्माण कैसे होता है हमें यह भी बता दो। हमने कहा भाई सिंपल है। बोले कैसे, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है हीमोग्लोबिन के साथ में, वो लंग्स के पास जाकर के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज खेलती है। ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है। ऑक्सीजन को लेते ही ये चमक जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को देते ही ये चमक जाते हैं। कहने का मतलब सिंपल है। बोले ठीक है सर, सर एक बात बताओ, यदि लंग्स ना होते तो ब्लड सिस्टम का कोई मतलब होता क्या? मैंने कहा फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने का मतलब ही नहीं होता। यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का यूज ही असल में लंग्स के साथ मिलकर के है। यानी कि मैं ये कह दूं कि मैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहा हूं और मैं लंग्स ना पढ़ूं तो मैं मूर्ख हूं। क्यों? क्योंकि मुझे फिर पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो भाई, फिर बोल क्यों रहे हो कि शुद्ध रक्त आ रहा है अशुद्ध रक्त जा रहा है, ये पढ़ क्यों रहे हो, कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हमारी स्टोरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो कौन बनेगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हमारे शरीर के अंदर कौन बना हुआ है, लंग्स बने हुए हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बनाते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को खत्म करते हैं, यानी उनमें से ऑक्सीजन को बाहर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। डन हो गई इतनी बात? बोले ठीक है सर, अब सर थोड़ा समझा भी दो कि होता क्या है। हमने कहा हाँ, अब तो कुछ बचा ही नहीं बताने लायक। देखिए भैया बात ऐसी है कि अगर हम इस ब्लड को चैम्बर में बांट दें तो ये ऐसा दिखता है। देखो भाई ये कमरे हैं सर, चार चैम्बर होते हैं, चार कमरे का सीन ये है, ये मोटर जो है ना ये चार कमरे की है, और ये मोटर बड़ी स्मार्ट है सर। कैसे स्मार्ट है मैं आपको वो बताता हूं। सर इस मोटर का ये जो कमरा दिखाई दे रहा है ना आपको, असल में क्या है, देखिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो हार्ट है, इस हार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर के ये जो दो कमरे हैं ना, इनको हम आलिंद कहते हैं, आलिंद, एट्रियम, और इनको हम निले कहते हैं यानी वेंट्रिकल्स कहते हैं। आलिंद और निले जोड़ी में उपस्थित होते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले, ये आलिंद हो गए सर। अच्छी बात है। सर होता क्या है? मैंने कहा भाई बहुत सिंपल सा काम होता है। बोले क्या काम होता है? मैंने कहा देखो भाई सिंपल सा काम ये है कि आपके शरीर का जितना भी कचरा मसाला है ना, वो सारा कचरा मसाला उठा करके आलिंद में डाला जाता है। अच्छा सर ये कैसे होता होगा? हमने कहा लोड मतलब एकदम समझाते हैं, बढ़िया फोटो लेके आए हैं, अभी समझा देते हैं आपको, बढ़िया तरीके से समझा देंगे। एक सेकंड रुक जाइए बस, ये लीजिए सर, प्रॉपर तरीके से बात समझ में आ जाएगी आपके सामने। अब इसको जरा ध्यान से देखिए सर, उम्मीद है फोटो विजिबल होगी, एक बार थम्सअप कर दीजिए। वेरी गुड। ये हमारे सामने चार कमरे का मकान है जिसको कि हम हार्ट कह रहे हैं। इस हार्ट के अंदर ये जो जगह दिखाई दे रही है आपको, इसका नाम है राइट एट्रियम, यानी सीधे हाथ की तरफ वाला आलिंद, लेफ्ट एट्रियम यानी उल्टे हाथ की तरफ वाला, यानी कि बाएं हाथ की तरफ, अगर हार्ट हमारे बाएं में है तो बाएं में भी बाएं वाला जो है वो लेफ्ट एट्रियम है। बोले ठीक है सर, अब होता क्या है? मैंने कहा भाई बहुत जबरदस्त काम होता है। बोले क्या होता है? हमने कहा देखो भाई बात ऐसी है कि ये जो बायां कमरा है ना, इसको अगर मैं यहां पर ऐसे दिखाता तो इस बाएं कमरे के अंदर ब्लड ऐसे चल करके आता है। कौन सा ब्लड? अशुद्ध ब्लड जो आपको यहां दिख रहा है ना। बोले सर इतनी सारी नसें हैं वो सब जाकर के क्या हमारे उसी से जाके जुड़ रही है क्या, सीधी हार्ट में जा रही है क्या? मैंने कहा ना 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 ना, आपके घर की हर नाली जो है वो नदी में थोड़ी जा रही है। एक बात बताइए, आपके घर का जो गंदा पानी है वो किसी ना किसी नदी में जा रहा है, चाहे वो सूखी नदी हो चाहे गीली नदी हो। मैं अपने अलवर की बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं जा रहता हूं, हमारा जो सीवेज सिस्टम है वो पहले नाले में जा रहा है भाई, पहले हमारी नाली है, वो नाली छोटी है, वो जाकर के किस में गिर रही है, छोटे बड़े छोटे बड़े नाले में गिर रही है, वो बड़ा नाला और बड़े नाले में गिर रहा है, वो और बड़ा नाला फाइनली एक नदी में गिर रहा है, तो मतलब रूपारेल नदी के अंदर पहुंच जाता है हमारे अलवर में ही। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह का प्रयास किया जाता है।
तो ये जितनी भी छोटी छोटी नसें दिख रही थी ना, ये सब नसें अल्टीमेटली कहां पहुंच रही होती हैं, एक बड़ी नदी में पहुंच रही होती हैं, और उस बड़ी नदी का नाम है सुपीरियर वेना कोवा। याद कर लो भैया, इस नदी का नाम क्या है? सुपीरियर वेना कोवा। याद कर लोगे, थम्स अप कर दो एक बार। सुपीरियर वेना कोवा हमारे शरीर की सबसे बड़ी नदी हो गई, वो नदी जो कि क्या इकट्ठा करके ला रही है भैया, ये हमारे शरीर में क्या लेकर के आ रही है? सारा गंदा नाली का पानी लेके आ रही है भैया। सुपीरियर वेना कोवा और इन्फीरियर वेना कोवा, ये दो प्रमुख नदियां हैं जो हमारे शरीर के अंदर आ रही हैं। अच्छी बात है सर। सर इन्हें किसी और नाम से भी जानते हैं क्या? बिल्कुल, हमने कहा जानते हैं। किस नाम से जानते हैं सर? हमने कहा भैया वेना कोवा को आप महाशिरा के नाम से जानते हैं। महाशिरा। बोले अच्छा, महाशिरावती माता। बोले ठीक है सर। अब क्या हुआ सर? ये जो है सर, पहुंचती है कहां पर? राइट एट्रियम में। एट्रियम बोले तो सर, मैंने कहा आलिंद में। ये नदियां जाके खुल गई एक कमरे में जिसका नाम है आलिंद। बोले ठीक है सर। अब भैया आलिंद भी बड़ा सिस्टमेटिक काम करता है, मतलब इंटेलिजेंट बहुत है सर। कैसे? इस कमरे में पानी आ गया सर, बहुत बढ़िया। अब यहां का सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम देखिए कैसा है। इस कमरे से नीचे ही स्थित है मेरे प्यारे साथियों क्या? निलय स्थित है। ऊपर क्या था? आलिंद था। ये कौन सा आलिंद था? दायां आलिंद था। नीचे क्या है? दायां निलय है। दायां आलिंद दायें निलय से मेरे प्यारे साथियों यहां पर एक वॉल्व के माध्यम से जुड़ा हुआ है। स्फिंक्चर वॉल्व होते हैं ना, जो वन साइडेड मूवमेंट करते हैं, वैसा वॉल्व है। अरे कॉमन सेंस लगाओ यार, ये वॉल्व है। अगर मान लीजिए कि इधर से मेरी तरफ से पानी आ रहा है, वॉल्व यूं है, तो ये यूं तो खुल जाएगा। अगर ये पानी लौटेगा तो ये यूं बंद हो जाएगा, यानी कि लौट नहीं पाएगा। होता है कि नहीं? अरे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे, तब भी स्फिंक्चर वॉल्व पढ़े थे ना। बिल्कुल वन साइडेड वॉल्व है ये। तो भाई साहब यहां से माल मसाला निकला, इस वॉल्व से होकर के राइट वेंट्रिकल में जाके गिर गया। किस में गिर गया सर जी? राइट वेंट्रिकल में जाके गिर गया। लोजी गिरा दिया। बोले बहुत बढ़िया सर। सर राइट वेंट्रिकल में ये जब गिरा तो इस गेट का कोई नाम था क्या? मैंने कहा बिल्कुल था। यहां पर एक गेट था, उसका नाम था ट्राइकैस्पिड वॉल्व। क्या नाम था बेटा इसका? ट्राइकैस्पिड वॉल्व, त्रिफलकीय कपाट। हिंदी इसकी थोड़ी टफ है, आप इसको ऐसे याद रखें, ट्राइकैस्पिड वॉल्व हो गया। बोले इतनी बात समझ में आ गई? बोले ठीक है सर। सर एक बात बताइए, ये वॉल्व होते क्यों हैं? मैंने कहा यार एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ यार। वॉल्व ना हो तो आप तो इतना उछल कूद करते हो, पता चल रहा है कि हार्ट का ब्लड कभी लंग्स में घुस रहा है, लंग्स का ब्लड कभी हार्ट में घुस रहा है, मतलब वन साइडेड मूवमेंट ही नहीं हो पा रहा है। तो जो चीज एक बार चली गई वो आगे ही जाए, इसलिए जरूरी है कि वहां पर क्या हो? वॉल्व हो, और वो एक दिशा वाला ही वॉल्व हो। तो भाई साहब यहां पर भी गेट लगे हुए हैं। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में आया, अब ये है साहब आपका सीधा निलय। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सीधे हाथ वाला निलय। अरे वेंट्रिकल का मतलब क्या होता है? निलय होता है। बोले अच्छा सर। अब क्या हुआ सर? मैंने कहा सर ये अशुद्ध रक्त का हृदय कर क्या रहा है? हमने कहा रुको भैया, बहुत तगड़ा काम कर रहा है। बोले क्या? अब हमने कहा ये जोर लगाता है, पंप के रूप में कार्य करता है, इसका इंजन चलना शुरू होता है, मोटर चलनी शुरू होती है। बोले ठीक है। ये मोटर क्या करती है जनाब? कि ये अपने में से दम लगा करके इस पूरे ब्लड को अपने ऊपर स्थित पल्मोनरी आर्टरी, इसको हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी, धमनी बोले तो आर्टरी। यहां पर कई लोगों का जो है वो मूड जो है वो सन्न हो जाता है। कैसे सन्न हो जाता है? बोले गुरुजी अभी बताएंगे, चलिए खैर लास्ट में बताएंगे, अभी बता दिए तो नहीं तो फिर पता चले कि लटपटा गए। यहां से सर ये जो खून निकला, ये ब्लड वेंट्रिकल से निकला सीधे निलय से, दाएं हाथ के सीधा निलय को आप दायां हाथ का समझिए, दायां हाथ का निलय। यहां से ये चला, किस में चला? पल्मोनरी आर्टरी में चला। और ये जैसे ही चला ना सर, यहां पर फिर से वॉल्व लगे हुए हैं जिसको हम पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। ये ब्लड को वापस नहीं आने देंगे, तो ये चल दिए सर, यहां से बकायदा घूमने निकल पड़े और पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से कहां खुल गए? फुफ्फुस में खुल गए। कहां खुल गए? फुफ्फुस में खुल गए। बोले तो किस में खुल गए जल्दी से बता दो? ये खुल गए सर जी फेफड़ों में। फेफड़ों को क्या कहते हैं? लंग्स के अंदर खुल गए। हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई? थम्स अप कर दीजिएगा। तो जनाब ये जो ब्लड था ये सीधा कहां पहुंचता है? फेफड़े के पास पहुंचता है। ये रहा फेफड़ा, एक थैले जैसी संरचना, लंग्स जो कि आपने पढ़ रखा है ना। यहां पर ये ब्लड पहुंच गया। सोचो यहां क्या था? यहां छोटी 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 एल्वियोलाई लगी हुई थी, वायु कूपिकाएं लगी हुई थी। उन वायु कूपिकाओं के पास जो ब्लड है ये कैपिलरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, छोटी 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 कैपिलरीज के माध्यम से इन तक पहुंच गया।
छोटी छोटी कैपिलरीज को अगर देखना हो तो अपनी आंख को थोड़ा नीचे करिए, आपको दिख जाएंगी। आंख को शीशे में जाके देखना और थोड़ा सा नीचे करके देखना, आपको बहुत छोटी छोटी नसें दिखाई दे जाएंगी। अरे बोलो, वैसी नसों में जाकर के ये बट गया, वहां जाकर के इन्होंने इन एल्वियोलाई से हवा भरी हुई है जो सांस आपने खींची, वहां से एयर का एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करके जो पाइपलाइन ब्लड लेके आया था, इस ब्लड के अंदर क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे पता? मैंने कहा गजब बात कर रहे हो, शरीर का पूरा कचरा जो है, कचरा बोले तो अशुद्ध रक्त जो है, वो अशुद्ध रक्त लेके कौन चला था भाई? यही चली थी ना। इसका मतलब अशुद्ध होने का मतलब क्या था? इसके पास क्या क्या डाला हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ये जब चले थे तो कार्बन डाइऑक्साइड इनके पास पहुंचा हुआ है ट्राइकैस्पिड वॉल्व से राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया, पल्मोनरी वॉल्व से पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच गया, यानी फुफ्फुस के धमनी में पहुंच गया। हमने कहा बहुत बढ़िया, अब क्या हुआ सर? अब क्या होता है सर जी कि ये पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचने के बाद लंग्स में पहुंच गया, अब क्या होता है सर जी, यहां ब्लड जो है वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, छोड़ दिया तो अब ये वापस संग्रहित हुआ, और संग्रहित होकर के चूंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुका है तो अब बना हुआ रक्त कैसा है? शुद्ध रक्त है। कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त, यानी प्योर ब्लड है। ये प्योर ब्लड जो है वो दूसरी पाइपलाइन के माध्यम से आता है, और कहां पर आ जाता है मेरे प्यारे साथियों, जरा ध्यान से देखें। ये मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं मसले को, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा। थोड़ा रास्ता बनाने दीजिए, रास्ता बनने दीजिए। देखिए सर, ये चला यहां से शुद्ध रक्त और यहां से एंट्री किया इसने, देखो ये कर गया, इस पाइपलाइन से एंट्री कर गया। किसमें एंट्री कर गया? लेफ्ट आर्ट्रियम में एंट्री कर गया। आर्ट्रियम बोले तो बाएं हाथ का आलिंद जो है उसमें निलय, ये एंट्री कर गया पल्मोनरी वेन से। इसको हम क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय शिरा। क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय शिरा। यहां क्या था? फुफ्फुसीय धमनी। ध्यान से समझना, ये कौन है? धमनी। ये कौन है? शिरा। आप में से कईयों का भाई साहब धर्म भ्रष्ट हो गया, अभी करवाऊंगा मैं, रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ जी, अच्छा, इसके बाद भाई साहब ये लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचता है। लेफ्ट आर्ट्रियम से मेरे प्यारे साथियों, यानी बाएं आलिंद में पहुंचने के बाद में ये कहां से पहुंचता है? यहां पर फिर एक वॉल्व लगा हुआ है। वो जो वॉल्व है मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है मिट्रल वॉल्व। क्या नाम है? मिट्रल वॉल्व। और इसे डाइकैस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, या बाइकैस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, बाइकैस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। इसके बाद ये पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि बाएं निलय में पहुंचता है। और बाएं निलय से मेरे प्यारे साथियों, फिर देखो यहां पर एक रास्ता और दिख रहा है जिसका नाम है एओर्टिक वॉल्व। यहां से होता हुआ ये पूरे शरीर में बटने के लिए निकल जाता है, और जिसके माध्यम से निकलता है उसको कहते हैं एओर्टा, और एओर्टा को मतलब हम होता है महाधमनी। क्या कहते हैं? महाधमनी। और महाधमनी से होकर के मेरे प्यारे साथियों, ये शुद्ध रक्त हमारे शरीर में चला जाता है। ये शुद्ध रक्त का कलर है, ये अशुद्ध रक्त का कलर है। उम्मीद है आप लोगों को याद आ जाएगा। हाँ जी सर, अब हमने बता तो दिया, अब बता दिया तो अब आप में से कई लोगों का जो मसला है वो कई जगह बीच में आप अपना कनेक्शन लूज कर गए, चिंता मत करिए। अब एकदम फास्ट फॉरवर्ड वे के अंदर मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, एकदम चिंता मत करो। चैट खोलने जा रहा हूं, पूछता जाऊं उसका आंसर देते चले जाना, तैयार हो? हम सब कर देना, सब चीजें रटा दूंगा, एक एक चीज रटा दूंगा, लोड ही मत। चलिए सर शुरू करते हैं। सर ये खोल दी अपन ने चैट, शुरू करते हैं सर, आंसर देते जाइएगा, चैट बॉक्स थोड़ी देर में हैंग हो जाएगा। सबसे पहली बात आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर का सारा अशुद्ध रक्त कौन लेके आता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। महाशिरा। नाम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों उसको? वेना केवा। कौन कौन सी वेना केवा थी? दो। कौन कौन सी थी? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कोवा। ये लेकर के आई, कहां डाल दिया इन्होंने ब्लड? जल्दी से आंसर दीजिए, ब्लड इन्होंने कहां डाल दिया? आर्टरी में डाल, उसमें डाल दिया, क्या कहते हैं इसको, एट्रियम में डाल दिया, आलिंद में डाल दिया। कौन सा आलिंद भैया? राइट आलिंद, सीधे हाथ का आलिंद है, उसमें डाल दिया। हाँ भाई, एट्रियम में डालने के बाद में मेरे प्यारे साथियों, आलिंद में डालने के बाद में दाएं आलिंद से दाएं निलय में जब वो जाता है ब्लड,
तो रास्ते में एक गेट मिलता है, उस गेट का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, ट्राइकैस्पिड वॉल्व है। ट्राइकैस्पिड वॉल्व के माध्यम से वो दाएं आलिंद से दाएं निलय में पहुंच गया। डन हो गया। दाएं निलय में पहुंच करके ट्राइकैस्पिड वॉल्व से अब वो अशुद्ध रक्त है, शुद्ध होने के लिए कहां जाएगा? फेफड़ों में, लंग्स में जाएगा। किस पाइप के माध्यम से जाएगा? उस पाइप का नाम बताइएगा। पल्मोनरी, क्या पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन? पल्मोनरी आर्टरी, शिरा नहीं है, धमनी है, ये याद रखिएगा। फुफ्फुसीय धमनी, ये शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार आपको, क्योंकि आपको बचपन में एक डाउट रहता है कि हमेशा शुद्ध रक्त जो होता है वो धमनी में बैठता है ना। आप लोगों के मन में क्या डाउट रहता है मैं वो भी बता देता हूं, कईयों के मन में, यदि पता हो तो थम्स अप करिएगा, हाँ करिएगा। क्या होता है, हमको ये पढ़ाया जाता है शुद्ध रक्त जो होता है वो धमनी में होता है और अशुद्ध रक्त जो होता है वो वीन में होता है, यही पढ़ाते हैं ना, ऐसा ही पढ़ते हैं ना। लेकिन यहां उल्टा है, ध्यान से सुनिएगा, और उल्टा है उसका भी हम ट्रीटमेंट बताएंगे, भविष्य में डाउट ही नहीं रहेगा। फिर क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से, अभी इतना ही पढ़िएगा बस, पल्मोनरी वेन के माध्यम से लंग्स में जाएगा। अच्छा, पल्मोनरी वेन और लेफ्ट निलय जो है यानी कि वेंट्रिकल जो है, इनके गेट पर एक्सेप्शन नहीं है आशीष, अभी सिखाएंगे, एकदम याद हो जाएगा, लोड मत लो, एक बहुत ही जबरदस्त आंसर दूंगा उसके बाद सारा सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद में एक वॉल्व लगा हुआ है, उस वॉल्व का नाम बताइए। बाएं निलय, दाएं निलय से पल्मोनरी वॉल्व है, बाइकैस्पिड नहीं है, पल्मोनरी वॉल्व है भाई, लंग्स में जा रहा है तो पल्मोनरी वॉल्व है, बाइकैस्पिड अलग वाला है यार, गजब बात कर रहे हो, पल्मोनरी वॉल्व भूलिए मत। ये देखिए यहां पर ये रहा पल्मोनरी वॉल्व, ऐसे मत करिए भाई, पल्मोनरी वॉल्व है ये, ठीक है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, पल्मोनरी वॉल्व से ये कहां पहुंच के गया, लंग्स में पहुंचा, लंग्स में ब्लड सॉल्व हुआ, शुद्ध हुआ, हो गया। वहां से शुद्ध रक्त जो है वो किस वेन के माध्यम से आया, वहां से शुद्ध रक्त पल्मोनरी वेन के माध्यम से आया, कहां आया, कहां आया, लेफ्ट आर्ट्रियम में यानी कि बाएं आलिंद में आया, आ गया बाएं आलिंद में, आ गया बाएं आलिंद से बाएं निलय में जब ब्लड गया तो वहां गेट पर कुछ लगा हुआ था, मिट्रल वॉल्व लगा हुआ था, उस वॉल्व को क्या कहते हैं, बाइकैस्पिड वॉल्व कहते हैं, ठीक है। बाइकैस्पिड वॉल्व के माध्यम से वो उस कॉर्नर में आ गया यानी कि उस कमरे में बैठ गया, जिस कमरे का नाम क्या था, उस कमरे का नाम था बाया निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड अब शुद्ध ब्लड है कि अशुद्ध है, ये बताइए, प्योर है कि अशुद्ध वो है, बताइए, प्योर है। ये प्योर ब्लड पूरे शरीर में जाएगा, किसके माध्यम से जाएगा, वेना केवा या एओर्टा, एओर्टा के माध्यम से गया। एओर्टा के आद गेट पर मेरे प्यारे साथियों एक वॉल्व लगा हुआ है, उस वॉल्व का नाम क्या है, एओर्टा वॉल्व है। एओर्टा को हिंदी में कहते हैं महाधमनी। महाधमनी कैसा ब्लड ले जा रही है, प्योर या इम्प्योर, प्योर ब्लड ले जा रही है, कहां ले जा रही है, पूरी बॉडी में ले जा रही है। बॉडी में जब वो प्योर ब्लड ले गई तो अब वो ब्लड अपना ऑक्सीजन शरीर में सब जगह पहुंचा दिया, जहां उसने ऑक्सीजन पहुंचा दिया वहां से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट किया गया। वो इम्प्योर ब्लड कहां लाके डाला गया ये बताइए, वो इंप्योर ब्लड कहां लाके डाला गया, राइट एट्रियम में यानी कि दाएं आलिंद में डाला गया। दाएं आलिंद में आया हुआ ये अशुद्ध रक्त कौन से वाल्व के माध्यम से दाएं निलय में गया, ट्राइकैस्पिड वाल्व के माध्यम से दाएं निलय में गया। क्या आपको पूरा की पूरा सर्कल समझ में आ गया, थम्स अप करिए एक बार। हमारे शरीर में जाने के लिए इसने दो बार चक्कर लगाया हार्ट का, पूरे ब्लड में जाने के लिए हार्ट में दो बार, एक बार किधर से, इधर से एंट्री किया, उधर से फिर वापस आया, एक बार जाते समय आया, एक बार आते समय आया, दो बार आया, याद है, इसलिए कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। एक बार अशुद्ध रक्त आया, एक बार शुद्ध रक्त आया, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम।
बात समझ में आ गई। अच्छा अब एक बात और बताते हैं। सवाल एक बना था कि प्योर ब्लड कौन लेके जाता है, प्योर ब्लड कौन लेके जाता है, ये शब्द याद मत करना। अब मैं आपको एक जबरदस्त बात बता रहा हूं, वो याद करना। क्या याद करना है? जो भी चीज वेंट्रिकल से बाहर निकलेगी, दोबारा सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं, जो भी चीज वेंट्रिकल से बाहर निकलेगी उसका नाम हमेशा आर्टरी होगा, उसका नाम हमेशा आर्टरी होगा, चाहे फिर वो शुद्ध लेके निकले कि अशुद्ध लेके निकले। बोलो ट्रिक पता लगी कि नहीं लगी? क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा, जो भी वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा, चाहे वो इंप्योर लेके निकले या प्योर लेके निकले, जो भी निकलेगा वो क्या कहलाएगा? आर्टरी कहलाएगा। यानी कि मेरे प्यारे साथियों, धमनी कहलाएगा। निलय चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो, कोई सा भी हो, वहां से जो भी चीज बाहर निकलेगी वो धमनी कहलाएगी, यानी कि वो पल्मोनरी आर्टरी कहलाएगी। और इसी प्रकार से जो आलिंद में आके डलेगा, आलिंद का मतलब समझ रहे हैं, आर्ट्रियम में आके डलेगा, वो चाहे कैसा भी हो, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, वो लाने वाली जो पाइपलाइन है, आलिंद में लाने वाली जो पाइपलाइन है, वो हमेशा क्या कहलाएगी? वेन कहलाएगी। अरे बोलिए साहब, बात समझ में आई कि नहीं आई? आलिंद में आने वाले सभी वेन हो गए, निलय से जाने वाले सभी लोग आर्टरी हो गए। यानी आलिंद में देखिए, अगर याद हो तो प्योर ब्लड भी आया था, तो भी वो प्योर ब्लड भी किससे आया था? पल्मोनरी वेन से आया था। क्लियर? ऐसे ही यहां पर इंप्योर भी आया था, तो भी वो महाशिरा से आया था, ठीक है ना। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर किडनी में, किडनी का क्या रोल है? भैया किडनी का रोल भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी रोल है, लेकिन जो प्योर और इंप्योर शब्द यूज किया जाता है वो किसके रेस्पेक्ट में किया जाता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रेस्पेक्ट में किया जाता है, नंबर एक। नंबर दो, जो आप किडनी की बात कर रहे हैं वहां पर धमनी और शिरा शब्द यूज नहीं किया जाता है, वहां केवल नाइट्रोजन छोड़ करके वापस चली आती है। क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई? ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, वहां केवल फिल्ट्रेशन हो रहा है, वहां से नाइट्रोजनस पदार्थ हटा रहा है। अब आप में से कई क्या है कि ऐसे विद्यार्थी हैं जो या तो अपने आप को थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं कि भाई मुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आई, क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है, इसको समझने के लिए पहले भी सुना होना जरूरी होता है, और नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, मैंने जीरो से पढ़ाया है। उन लोगों से निवेदन है कि कृपया करके आप इन सब चीजों को 10 बार और सुनिएगा, है ना बेटा। आप क्या करिएगा, 10 बार इनको जो मैंने बोला है ना आज, पूरा इस पूरे वीडियो को 4 बार चला के और देखना, आपके समझ में आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा आपका। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप में से कुछ जो है वो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनको यहां तक समझने के अंदर रोल नहीं था, उनको ये समझने का इंटरेस्ट नहीं था, उनको अपने जो सवाल है ना उनका जवाब चाहिए था। लेकिन साहब मैं कोई कॉल सेंटर तो हूं नहीं कि आपके डाउट है और मैं सवाल का जवाब देता चला जाऊं, है ना, मुझे तो पढ़ाना है ना सर, तो मुझे उन लोगों के लिए जवाब देना जरूरी नहीं है जो इधर उधर के सवाल दे रहे हैं, है ना। तो भैया जो बहुत ज्यादा सवाल लेकर के आए हैं उनके लिए गूगल जिंदाबाद है, गूगल करिए और पढ़िए, है ना बेटा। मुझे पढ़ाना है बेटा, और मेरा फाउंडेशन बैच है ये, और फाउंडेशन बैच में क्या है, मुझे जीरो सी चीजें पढ़ानी होती है, तो बुद्धिमानों की जगह नहीं है यहाँ पे, है ना, क्योंकि मैं अपने आप को बुद्धिमान समझता नहीं हूं, और मैं अपना जैसा ही समझता हूं आप लोगों को, है ना भैया। और जिनको ज्यादा ही क्यूरियोसिटी है तो गूगल करिए, गूगल का आंसर आ जाएगा, क्योंकि बीच में मैं इसको पढ़ाते पढ़ाते आपके सवाल एंटरटेन करूं, सर इतना दिमाग मेरे पास नहीं है सर, क्योंकि मैं एक ही इंसान हूं सर, और मेरे सामने 10,000 से ऊपर बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं सर, तो हो नहीं पाएगा सर, माफी चाहता हूं, है ना। यार प्रॉपर सिस्टम होता है, अभी मैं इतना अच्छे से ये पढ़ाया, कई कम खजूर ऐसे हैं जो कि मतलब मैं ये पढ़ा रहा हूं इस बीच में अपने अपने सवाल डाल के भेज रहे हैं, क्योंकि वो सुपर रिच है नॉलेज के अंदर। तो भैया आए क्यों यहां पे पैसा काट के, आप मत आते, क्लास ही छोड़ देते। मतलब मैं ये छोड़ दूं आपकी ये चीज जो पढ़ा रहा हूं, इसको छोड़ के पहले सिस्टम तोड़ूं, ब्रेक करूं, मैं सवाल जवाब कर रहा हूं लोगों से, लेकिन उनको अपना सवाल पहले चाहिए। सर हमारा सवाल पहले लीजिए, मेरा इसमें से जो मैंने पढ़ाया है, इसमें से कोई डाउट हो तो बताइए मालिक।